तालिबान से लड़ेंगे, हम लोग तालिबान से तालिबान को शिकस्त देंगे। सारी अफगानिस्तान की लोग उम्मीद पंशेर है, मैं भी पंशेरी हूँ। अभी पंशेर सारा दुनिया के लिए एक उम्मीद बन चुका है। पंशेर अब जो पहले भी अपना इम्तिहान दे चुका है। हम लोग ये इसमें बहुत हम लोगों का पावर ये है जो हम तालिबान को भगाएंगे। ये आवाज एक पंजशेरी की है जो आज भी काबुल में बैठकर आजाद अफगानिस्तान की बात कर रहा है। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज फिर से फिजाओं में लहराए उसके ख्वाब देखता है, ये जानते हुए कि किसी भी समय तालिबान इस पंजशेरी का सर धड़ से अलग कर सकता है। ये ताकत उस मिट्टी उस सूबे से आई है जिस पर कभी कोई मुल्क फतेह नहीं कर पाया। नाम है पंजशेर, जिसने काबुल ढह जाने के बाद तालिबान के खिलाफ जंग छेड़ दी है। हम भी पंजशेरी है, हम लोग तालिबान से लड़ेंगे, हम लोग तालिबान से तालिबान को शिकस्त देंगे। हम सारी अफगानिस्तान की लोग उम्मीद पंजशेर है, मैं भी पंजशेरी हूँ, पंजशेर से हूँ, लेकिन इंशाल्लाह जब तक जिंदा है हम उसके साथ है। अभी तालिबान के लिए सबसे बड़ा खतरा पंजशेर और अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद जूनियर हैं। तालिबान के टारगेट पे सबसे ज्यादा कौन लोग हैं अभी अफगानिस्तान में काबुल में? तालिबान में टारगेट में सबसे ज्यादा पंजशेरी लोग हैं। पंजशेरी जो पंजशेरी जबे मुकामत, मैं भी पंजशेरी हूँ, और पॉलिटिशियन लीडर्स। काबुल में पिछले एक हफ्ते में करीब 20 लोग मारे गए हैं। पंजशीर को छोड़कर तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। कब्जे के बाद तालिबान लड़ाके घर घर जाकर मोबाइल कंप्यूटर जैसे डिजिटल डिवाइस चेक कर रहे हैं और ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसने तालिबान के खिलाफ काम किया, और इस काम में तालिबान की मदद पाकिस्तान कर रहा है। आईटी स्पेशलिस्ट को इधर लेकर आया है जो ये मोबाइल कॉलिंग को पाकिस्तान ISI चेकिंग कर रहा है अभी अफगानिस्तान में, और सब डेटाबेस सब नेटवर्क अभी पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी ISI की कंट्रोल में है। उन लोगों ने अमनियत मिली डेटाबेस को उन लोगों का दस्तरसी पहुंचा है, और यहाँ वजारत मुखाबरात जो अफगानिस्तान के वजारत मुखाबरात है वहाँ पर भी पाकिस्तानी आर्मी आया है, पाकिस्तानी हैकर और IT स्पेशलिस्ट अभी इधर काबुल में है तो चेकिंग कर रहा है। तालिबान सबसे पहले उन्हें निशाना बना रहा है जिन्होंने अफगानिस्तान की सरकार और अमेरिका के लिए काम किया। वो लाइव मोबाइल चेक कर रहा है, ये कौन है, ये वो कौन है। जब आपके मोबाइल में अशरफ गनी का फोटो था या दाऊद खान का फोटो था या अमरुल्ला साले या अहमद मसूद या अहमद शाह मसूद का फोटो, तो आपको बंदी बना लेता है। काबुल में तालिबान ने कब्जा करते ही अपने फरमान जारी कर दिए हैं। महिलाएं बिना शरिया हिजाब और बिना मर्दों के घर से बाहर नहीं निकल सकती। मर्दों ने शेव करना बंद कर दिया है। तालिबान ने 1.5 महीने का समय दिया है कि अपनी दाढ़ी बढ़ा लें। इतना ही नहीं, घर होटल या कहीं पर भी म्यूजिक बजाने वाले को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। औरतों में पाबंदी लगा रखा है तो आप लोग हिजाब करें, स्कूल यहाँ पर बंद है, यूनिवर्सिटी बंद है, हॉस्पिटल बंद है, सब लोग भाग रहा है, घर से बाहर निकलना मुश्किल है औरतों के, तो हम लोगों का भी मुश्किल है। पाबंदी तो ये क्या बोलिए, रीश हम लोग बोलते इसको शेव मत करो। तालिबान के खौफ के चलते ही स्थानीय लोग अपना वतन छोड़कर दूसरे मुल्कों में भाग रहे हैं। इन्हीं में से एक है निसार अहमद शेरजे जो साल 2016 में भारत आए। इनकी उम्मीद भी पंजशेर है। तालिबान 6 साल 96 से 2001 तक सरकार चलाया। तालिबान भी पंजशेर के अंदर वो नहीं जा सकता,
वो तो उस टाइम भी अफगानिस्तान के पास कुछ नहीं था। अभी भी मैं सोचता हूँ कि कभी पाकिस्तान तालिबान पंजशीर के ऊपर कामयाब नहीं हो सकते हैं, पंजशीर के अंदर वो लोग नहीं जा सकते, अफगानिस्तान को उम्मीद अकेला पंजशीर। अपने देश से दूर अपने झंडे को देख निसार अहमद शेरजई भावुक हो जाते हैं। तालिबान तो एक आतंकवाद है, आतंकवाद का झंडा क्या है, ये हमारा पहचान है, ये हमारा सब कुछ है, हमारा जान है, हम अफगानियों इन झंडे के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, जब तक एक अफगान जिंदा रहे इस झंडे का इज्जत करेंगे हम, अगर मुल्क से बाहर भी हैं मर जाए ये झंडे के लिए हम मरते, हम लड़ते हैं और इसका इज्जत करेंगे। पंजशीर अफगानिस्तान का अकेला ऐसा सूबा है जिस पर कभी कोई फतह नहीं कर पाया। अभी पंजशीर में अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद जूनियर तालिबान को टक्कर दे रहे हैं। अभी सबसे बड़ा खतरा तालिबान के लिए पंजशीर है और पूरे अफगानिस्तान को अभी पंजशीर से ही उम्मीद भी है। ABP News आपको रखे आगे।